अस्सलाम वालेकुम ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। चनाब नगर में मसरूफ तरीन चौराहों पर रिक्शा माफिया और रेडी माफिया का राज। ईद उल फितर की आमद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। इसके साथ साथ रेडी वानों और रिक्शा ड्राइवर्स ने अपनी मनमानियां शुरू कर दी। जगह जगह खुद साख्ता रिक्शा स्टैंड बना लिए। ट्रैफिक ब्लॉक रहने से लोगों को बर वक्त रोजा इफ्तार करने में दुश्वारी का सामना। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गयी। अवाम और समाजी हल्कों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी। चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर का शहर में कायम खुद साख्ता और गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर भर में बासर अफराद ने अपने घरों के सामने गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर्स बना रखे थे। इन अंधे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से कई हादसा रोनुमा हो चुके हैं। अवामी और समाजी हल्कों की जानिब से बार बार तवज्जो दिलाने पर चीफ ऑफिसर बल्दिया चनाब नगर ने इन तमाम स्पीड ब्रेकर्स का सफाया कर दिया। अहले इलाका ने सुख का सांस ले लिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का थाना चनाब नगर के सामने सरगोधा रोड पर गाड़ियों के टोकन टैक्स सख्त चेकिंग। टोकन टैक्स अदा न करने वाली गाड़ियों के चलान किए गए और कागजात न रखने वाली गाड़ियों को थाना चनाब नगर में बंद कर दिया गया। SHO थाना अब्दुल हकीम महर शौकत की मंशियात फरोशों के खिलाफ दो मुख्तलिफ मुकदमात पर दबंग कार्रवाई। दो मुलजिम गिरफ्तार। शराब की भारी मकदार बरामद। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में 3 दिन कबल शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। शोहर ने मुबैना तौर पर तानिया पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। तानिया की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। पुलिस ने तानिया की वालदा की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। SSP नौशहरो फिरोज कैप्टन रिटायर्ड तारिक ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज फयाज राहू के हमरा मुख्तलिफ मकामात और जगहों पर रमजान मुबारक और ईद उल फितर की मुनासिबत से तैनात पुलिस अहलकारों की ड्यूटी चेक की। दुकानदारों और शहरियों से मालूमात ली और दुकानदारों के इजहार पर पुलिस नफरी को मजीद बढ़ा दिया गया। इस मौके पर ताजिर बरादरी और शहरियों ने SSP की तरफ से बेहतरीन इकदाम को खूब सराहा और SSP साहब का शुक्रिया अदा किया। सियालकोट में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में वन व्हीलिंग की रोकथाम के हवाले से मारूफ निजी होटल में होंडा के इश्तराक से शानदार ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में शहर की मारूफ शख्सियात ट्रैफिक पुलिस अफसरान मोटरसाइकिल मैकेनिक्स और अवामुन नास की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद ने बताया की वन व्हीलिंग एक खूनी खेल है जिसकी वजह से कई कीमती जाने जाया हो चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा की वालदेन को चाहिए की वो अपने बच्चों को इस जानलेवा खेल से बाज रखने की पूरी कोशिश करें। गोजरा में बेटियों को गलत काम पर उकसाने से मना करना गरीब खानदान का जुर्म बन गया। इंतजामिया बा असर अफराद के जाती मकासद के लिए इस्तेमाल होने लगी। चक नंबर 335 के गरीब मजदूर का घर बा असर अफराद की इमा पर गिरा दिया गया। मुतासरीन का सेशन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज। बच्चियों को तंग करने की दरख्वास्त नवान लाहौर पुलिस को दी लेकिन पुलिस भी उल्टा हमें धमकाने लगी है। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील कर दी। शेखुपुरा में सफदराबाद रमजान का एहतराम ना खौफे खुदा ओबाश नौजवान की बेवा खातून से ज्यादती की कोशिश। वकास नामी शख्स बेवा खातून को जबरदस्ती अपने घर ले गया। बेवा खातून के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने नजमा बीवी की जान छुड़ाई। मुलजिम बेवा खातून को बरहना हालत में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने नजमा बीवी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। किसी भी खबर से बखबर रहने के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट onnewstv.pk। देखते रहिए ऑन न्यूज़।